شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम नादरीन, माह रमज़ान जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था, अब ये माह रमज़ान उतनी ही बरगिफ्तारी के साथ हमसे रुखसत हो रहा है और माह रमज़ान के रुखसत होने पर ख़ास तौर से रमज़ान का जब आखिर अशरा शुरू होता है, आखिर के 10 दिन यानी 20 से 30 रमज़ान, तो ये बड़े ही अहमियत के हामिल होते हैं और इन रातों में जो ताक रातें हैं वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है। उन्हीं ताक रातों में से एक रात शब ए क़द्र की भी है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहर्रौ लैलतल क़द्र फ़िल वित्र मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमदान। सही बुखारी किताब फ़द्ल लैलतल क़द्र बाब नंबर 3 हदीस नंबर 2017 2017। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में शब ए क़द्र को तलाश करो। रमज़ान के आखिर अशरे में जो ताक रातें हैं उन्हीं में शब ए क़द्र को तलाश करो। ताक रात क्या है? ताक रात ये 21वीं, 30वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये 5 ताक रातें हैं। इन 5 ताक रातों में से कोई भी एक रात शब ए क़द्र की हो सकती है। और अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि अल्लाह ताला ने शब ए क़द्र को पोशीदा रखा है ताकि इंसान इन 5 ताक़रातों में शब्बेदारी करे, अल्लाह की इबादत करे, नवाफिल का अहतमाम करे। इन 5 ताक़रातों में से कोई भी एक रात शब ए क़द्र की हो सकती है, कोई भी एक रात शब ए क़द्र की हो सकती है। और क्यों ना हो, इस शब ए क़द्र को पाने की नबियों के सरदार आमिना के लाल सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन ने भी कोशिश की है। और आपकी कोशिश का हाल ये था जिसका ज़िक्र इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब फ़द्ल लैलतुल क़द्र बाबुल अमल फ़िल अशरिल अवाखिर मिन रमदान हदीस नंबर 2024 2024। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल अशर शद्द मिज़रा व अहया लैला व अयक़द अहला। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता, जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांध लेते, यानी आप अपनी कमर पूरी तरीके से इबादत के लिए कस लेते थे। और इन ताक रातों में आप खुद जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। क़ुरबान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका कि ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिस नबी के मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए हों, लेकिन उस नबी बरहक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखिए, चाहत देखिए, रग़बत देखिए कि रमज़ान का आखिरी असरा, रमज़ान के आखिरी 10 दिन जब शुरू होते 20 से 30 तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तौर से कमर बस्ता हो जाते थे, इबादत के लिए चाक चौबंद हो जाते थे, रातों को खुद जागते थे और अपने अहल याल को, बीवी बच्चों को भी जगाते थे कि ये इन आखिर अशरे में, इन 5 ताक रातों में कोई भी रात शब ए क़द्र हो सकती है और शब ए क़द्र की इबादत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब ए क़द्र की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। इसलिए 1000 महीने की इबादत के अजर व सवाब को पाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल होता था। हम और आप हैं कि सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। ये रमज़ान का महीना सरापर नेकी का महीना है और ख़ास तौर से रमज़ान के आखिर अशरे में कि शब-ए क़द्र है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान के आखिर अशरे में ताक रातों में हम जागें और ताक रातों में जाग करके शब-ए क़द्र की जो फजीलत है, जो अहमियत है, उसको हासिल करने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।